इंटर क्लास आज की क्लास में टी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन परिवार में अमोनिया के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। अमोनिया को ना तो जलाया जा सकता है ना ही इसकी सहायता से किसी पदार्थ को जलाया जा सकता है, क्योंकि अमोनिया गैस ना तो स्वयं जलती है न किसी पदार्थ को जलाने में सहायक होती है। परंतु अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण पीली लौ के साथ जलता है, जिससे नाइट्रोजन और जलवाष्प प्राप्त होते हैं। तो अमोनिया के रासायनिक गुण में जो दहन का गुण है, अगर अमोनिया को वायु के साथ जलाया जाता है तो पीली लौ के साथ जलने पर नाइट्रोजन और जलवाष्प जैसे अवयव बनते हैं। अमोनिया एक स्थायी यौगिक है, लेकिन उच्च ताप पर इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रवाहित करने पर यह अपने अवयवों में वियोजित हो जाता है। मींस NH3 उच्च ताप पर आर्क की प्रेजेंस में N2 और H2 में वियोजित हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके NO में ऑक्सीकृत हो जाती है। Means, अमोनिया ऑक्सीजन NO में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं। तो उत्प्रेरक इस रिएक्शन में प्लेटिनम। टेम्परेचर रेंज 700 से 800 डिग्री सेल्सियस रखी जाए तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO में ऑक्सीकृत होती है। प्रकृति इसकी क्षारीय है, इसके जार में जल से भीगा लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसका जलीय विलयन भी क्षारीय प्रकृति का होता है। मींस यदि लिक्विड अमोनिया और H2O का मिश्रण बनाए NH4OH बनता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय है। क्षारीय होने की वजह से अम्लों के साथ क्रिया करके NH3 प्रबल अम्ल HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड लवण बनाती है। क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है, ये क्षार नहीं है, इसलिए लवण के साथ जल की प्राप्ति नहीं होती। NH3 अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। यानी ये इसका एक स्ट्रक्चरल गुण है कि नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और उसकी कक्षा में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, इसलिए इसे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अपना अगला गुण देखते हैं, हैलोजन। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में, यानी जब अमोनिया ज्यादा हो और क्लोरीन कम हो तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनता है, लेकिन अमोनिया कम हो और क्लोरीन अधिक हो तो एक विस्फोटक यौगिक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड निर्मित होता है। तो अमोनिया की अधिकता
में क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया। तो अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस देती है। लेकिन यदि यही प्रोसेस अमोनिया की कम मात्रा और क्लोरीन की अधिकता में हो तो एक विस्फोटक पदार्थ NCl3 प्राप्त होता है और साथ में HCl की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की क्रियाएं अन्य हैलोजन यानी ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी संभव है। रक्त तप्त धातु ऑक्साइड, मतलब उन्हें इतना गर्म किया जाए कि वे लाल हो जाएं, जैसे कॉपर के, लेड के, निकेल के, आयरन आदि के ऑक्साइड में अमोनिया प्रवाहित करने पर उनका धातुओं में अपचयन हो जाता है। जैसे हम लेते हैं पहले रक्त तप्त कॉपर का ऑक्साइड, इसमें प्रवाहित करते हैं अमोनिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कॉपर आपको प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। यदि यही क्रिया लेड के ऑक्साइड के साथ हो तो लेड धातु की प्राप्ति होगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। धातु लवण जैसे आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम जैसे यौगिक के किसी विलयन, जिसका जलीय विलयन बनाया गया हो, में NH4OH डालने पर धातु हाइड्रोक्साइडों के रूप में अवक्षेपित होकर प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा आयरन के यौगिक हों अथवा एल्युमिनियम के यौगिक हों अथवा क्रोमियम के यौगिक, तो आयरन के किसी यौगिक के लिए FeCl3 और एल्युमिनियम के किसी यौगिक के लिए AlCl3, इनके जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि ये भी अमोनिया का जलीय विलयन ही है, इसलिए इसके साथ होने वाली क्रिया अमोनिया के द्वारा संपादित क्रिया का ही पार्ट होती है। यहां प्राप्त होता है FeOH का थ्राइस, यहां प्राप्त होता है AlOH का थ्राइस। ये 3 OH है, ये Fe और Al के साथ आ जाते हैं, जबकि क्लोरीन अमोनियम समूह के साथ 3NH4Cl फॉर्म करता है। तो धातु लवण के साथ धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। अमोनियम जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिलेटिन या ग्लू की उपस्थिति में सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्षारीय विलयन अमोनिया को ऑक्सीकृत कर हाइड्रेजीन बनाता है। अमोनिया की सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्रिया NH3 NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड N2H4 दो नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन शेष हैं, वे ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करके जल और NaOCl NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, यहां आपको प्राप्त हुआ हाइड्रेजीन। क्रिया किसके साथ हुई, सोडियम हाइपो क्लोराइड।
के साथ क्रिया कराई गई। नेस्लर अभिकर्मक NH3 नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4 के क्षारीय विलयन, यानी K2HgI4 और NaOH के मिश्रण को ही नेस्लर अभिकर्मक कहा जाता है। इसके द्वारा यह क्रिया होती है और जो क्षारक है उसके आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया NH3 क्षारीय है इसलिए NaOH, K2HgI4 और NaOH के मिश्रण को ही नेस्लर अभिकर्मक, ये पूरा नेस्लर अभिकर्मक। नेस्लर अभिकर्मक के साथ NH3 की क्रिया क्षारक के आयोडाइड का भूरा अवक्षेप देती है। इसकी संरचना O HG NH2I ये क्षारक का भूरा अवक्षेप है जिसके कौन कौन से अवयव पृथक हो गए, जैसे सोडियम यानी Na आयोडीन के साथ 3NaI बनाएगा, पोटेशियम आयोडीन के साथ 4KI, तो आयोडीन की संख्या है 8, 4, 3, 7 और 1, 8 पूर्ण हो जाते हैं। नाइट्रोजन एक ही है, एक आ गया, हाइड्रोजन 3 है, 2 आ गए, दो एक हाइड्रोजन शेष है वो 3 के साथ जोड़कर 4 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन में से एक गया, 2 ऑक्सीजन बचे इसलिए 2H2O भी बनेगा। अब इसके अतिरिक्त कोई अवयव शेष नहीं, तो ये नेस्लर अभिकर्मक के साथ अमोनिया की क्रिया है। अमोनिया नाइट्रिक एसिड के निर्माण में प्रयुक्त होती है, अमोनियम लवण बनाने में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, बर्फ बनाने में रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ NCl3 बनाने में और कृत्रिम रेशम और नायलॉन के निर्माण में इसे प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन परिवार के इन अमोनिया के रासायनिक गुणों के बाद जो भी गुण आपको बताए गए हैं, मैं इसकी एक पिक आपको इस वीडियो के साथ सेंड करूंगा, तो आप इसके द्वारा रासायनिक गुणों को टिक कर लेंगे और इन रासायनिक गुणों को जब आप रिटन वर्क करेंगे तो आपको उसी के साथ इन रासायनिक गुणों को भी अपनी कॉपीज में नोट करना।